हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइंस एकेडमी पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी यहां पर दे दूं कि आज की हम क्लास में क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों घटना चक्र 2023 का, जो कि लेटेस्ट एडिशन आप देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग आज की इस सीरीज में शुरू कर रहे हैं पूर्वालोकन की सीरीज, जिसमें आपके 1990 से 2023 तक के सभी PYQ शामिल किए गए हैं और बायोलॉजी के सेक्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत। और साथ ही साथ इसी के पैरलर में आपको बताते चलूं कि ज्योग्राफी की सीरीज भी ऑलरेडी चलाई जा रही है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी की लगभग 14 क्लासेस हो चुकी हैं। और इसी तरीके से मंथली मैगजीन भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही फेमस मैगजीन है, विजन IAS की मैगजीन, वो भी हिंदी मीडियम के लिए। पूरे YouTube पे हिंदी मीडियम के लिए इस प्लेटफॉर्म से बेहतर कहीं भी मैगजीन नहीं स्टडी कराई जा रही है। आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और फिर हमारे को आप फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। हम लोग जो वर्गीकी के चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 70 MCQs कर लिए थे डिटेल से पढ़ने के बाद, और अब हम उसके आगे के MCQs को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 70 से ये सीरीज शुरू होनी थी वर्गीकी के अंतर्गत। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 70, इसको देखते हैं। ये IAS प्रीलिम्स 2001 में पूछा गया प्रश्न है कि फीता कृमि यानी कि टेप वॉर्म उभयलिंगी होता है, गोल कृमि यानी राउंड वॉर्म ये इसके अलग अलग लिंग होते हैं, अलग अलग सेक्स होते हैं, फाइलेरिया एक सूत्र कृमि से होता है और गिनी कृमि एनेलिडे को कहते हैं। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, चौथा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3। तो देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1, 2, 3 सही है लेकिन चौथा गलत है। क्यों? क्योंकि गिनी कृमि जो होता है वो एक सूत्र कृमि होता है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है ड्रैकन कुलस मेंटिनेंसिस। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनधारियों का परजीवी जंतु है, जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट और इस तरीके की बीमारियों के लक्षण प्रतीत होते हैं। और इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण ही ये सभी बीमारियां शरीर में हमारे उत्पन्न होती हैं। आगे अगला एक प्रश्न और है, IAS प्रीलिम्स 2021 का ये प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है यह भी। निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदहारी यानी कि डेट्राइटोवीर होते हैं, मतलब कि जो कहीं ना कहीं अपरदहारी होते हैं, जो बचे खुचे जो मृत जीव होते हैं उनको समाप्त करने का काम करते हैं, जैसे केंचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रापाद यानी मिलीपीड, समुद्री घोड़ा या कास्ट यूका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, एक तो केंचुआ देखने को मिलेगा, एक मिलीपीड देखने को मिलेगा, एक मिलेगा कास्ट यूका। तो 1, 3, 5 सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि डेट्राइटिवोरस जो होते हैं, जो अपरदहारी होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, जो अपना पोषण अपरद या मृत या सड़े गले पौधों या जानवरों को खाकर प्राप्त करते हैं, जिनको हम लोग मृतोपजीवी भी सामान्य भाषा में कहते हैं। इसमें केचुए आ जाएंगे, कास्ट्यूका आ जाएगा और सहस्त्रपादी जो दिए गए ऑप्शन के अंतर्गत हैं। अगला प्रश्न है आपका UPSC IAS प्रीलिम्स के 2021 में फिर से एक प्रश्न इसी चैप्टर से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी कि फिल्टर फीडर होता है? तो फिल्टर फीडर के रूप में आप सीप को देख सकते हैं, ऑयस्टर के रूप में होता है। अब आपको अगर एक डाउट हो रहा हो कि सर ये कैसे आप जो है कि सारे प्रश्न के उत्तर करा दे रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो इससे पहले एक और सीरीज थी जो इसमें मैंने 69 MCQs कराए, लेकिन उससे पहले वर्गीकी के बारे में पूरा डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया है, लगभग शायद लेक्चर नंबर 3 होगा वो, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें पूरी तरीके से डिटेल से हमने इसके बारे में बात की है। फिर उसके बाद हम लोग MCQs की सीरीज को सॉल्व करते हैं। और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिसपे आप मैसेज करके वहाँ से, केवल मैसेज करिएगा, कॉल का कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, वो वहाँ पर आप PDF के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और PDF वहाँ से आप ले सकते हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को, डिस्कशन ग्रुप को, दोनों को ही ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, जिससे आप अपनी क्वेरीज रख सकते हैं और मैं वहाँ पर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए दोबारा आते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जो निस्यंदक भोजी होते हैं, फिल्टर फीडर, ऐसे जीव होते हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। तो पहली चीज, जो फिल्टर फीडर होते हैं वो कहाँ पर काम करते हैं? जल में निलंबित पोषक पदार्थ, जो जल में हमें देखने को मिलते हैं पोषक पदार्थ, उससे वो अपनी बॉडी की फिल्टरिंग संरचना से प्राप्त करते हैं। सीप एक निस्यंदक भोजी जीव का प्रमुख उदाहरण है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं यानी कि नॉक्ट्यूरनल होते हैं, जो रात में गति करते हैं, रात में जो है कि उड़ते हैं, रात में ही देखते हैं, जीवित रहते हैं, मतलब दिन में वो सोते हैं, आराम फरमाते हैं। तो उल्लू का नाम आपने सुना होगा, मच्छर का नाम सुना होगा,
चमगादड़ का। आप देखेंगे दिन में आपको मच्छर कभी प्रतीत नहीं होते, मिलते भी नहीं है काटते, लेकिन जब रात में हम सोने चलते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि रात में ही मच्छर सामान्यतः काटते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ समझते हैं, रात्रि चर जंतु होते हैं वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण घ्राण इंद्रियां अत्यधिक विकसित होती है, यानी कि सुनने की शक्ति और सूंघने की शक्ति बहुत अधिक विकसित होती है एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर यानी मॉस्किटो, चमगादड़, उल्लू, कीवी ये सभी जंतु रात्रिचर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, यानी जितना उसका शरीर होता है उससे ज़्यादा बड़ा उसका मस्तिष्क होता है। UPPCS प्रीलिम्स 2017 का प्रश्न है। अगर मैं हाथी की बात करूं तो हाथी आपका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, मस्तिष्क बहुत छोटा होता है। मानव की बात करें तो हमारा शरीर बहुत बड़ा है, मस्तिष्क केवल छोटा सा है। लेकिन अगर मैं चींटी की बात करूं तो चींटी की संरचना अगर आप कुछ इस तरीके से मैं बनाऊं और उसका आगे यहां पे इतना बड़ा सिर होता है, आपने देखा होगा छोटी छोटी चींटियां आपके घर में होती हैं, तो उनका मस्तिष्क जो है कि ज्यादा बड़ा होता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं, यानी हमारे बॉडी में वो कौन सा जो है कि एसिड प्रवेश कराती हैं जिसकी वजह से हमें जलन होती है, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ये पीले रंग की जो बर्रा होती है, जिसको कई लोग ततैया भी बोलते हैं, कई लोग बर्रिया बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से पीले रंग की होती है, उसके द्वारा काटने पे या मधुमक्खी के द्वारा काटने पे या चींटियों के द्वारा काटने पे हमारे बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड प्रवेश करता है, जिसके द्वारा वो हमारे सेल में क्या करता है, जलन पैदा करता है और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती, फूल जाता है वो। चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक एसिड का अंतःक्षेपण होता है, यानी प्रवेश करता है, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में दर्द, चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि कार्बोक्सिलेसिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है। रबर के व्यवसाय में, फलों के रस को सुरक्षित रखने में भी किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं, तो मतलब कवकों के कृषकों के रूप में चींटी, कॉकरोच या फिर आगे देखते हैं मकड़ी या केकड़ा, तो चींटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चींटियों को कवकों के कृषक के रूप में जाना जाता है। चींटियों एवं कुछ कवकों के मध्य अन्योन्याश्रितता, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। लीफ कटर प्रजाति की चींटियां इस संबंध का महत्वपूर्ण उदाहरण है। चींटियों के अतिरिक्त कुछ दीमकों की प्रजातियां भी कवकों के साथ ऐसी क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। मतलब चींटी और कवक ये दोनों ही कभी कभी एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, सहयोगी हो जाते हैं, पूरक हो जाते हैं, कि एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके आरओ 2016 का प्रश्न है, मच्छरों के बारे में। केवल नर रक्त चूसते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाएं रक्त चूसती हैं, अर्थात कि मादा रक्त चूसती हैं, और मादा पौधों का रक्त चूसती हैं, पौधों का रस चूसती हैं। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। डैने का मतलब हो गया दांत, जो उनके आगे, अगर आप कभी जिंदा मच्छर को पकड़ के देखिएगा, मैंने तो एक दो बार पकड़ा भी है इसको, देखा है दोस्तों, क्योंकि मच्छर कीट प्रजाति के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत उसके छह पैर देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं आपको छह पैर देखने को इस तरीके के, तीन जोड़े। कीटों की यही पहचान भी होती है कि तीन जोड़े पैर होते हैं और आगे ना उनके दो दांत निकले होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हल्के व्हाइट और ब्लैक मिक्स होते हैं, आप उन्हें कभी पकड़ के देखिएगा, मैंने इस चीज को देखा है। तो डैने का मतलब होता है दांत ही होते हैं, कि किसके बड़े होते हैं, मादा के या नर के। अब इतना तो क्लियर नहीं हुआ मुझे कि मादा है कि नर, लेकिन उसके डैने मैंने देखे हैं, तो आप देख सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कि 2 और 5 ही सही है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये वाला गलत है, बी और दूसरा सही है, और 5वां, यानी नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, इसीलिए मादा आसानी से इंसानों का खून चूस लेती है। चलिए यहां पर देखते हैं, केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकी पक्षियों और स्तनियों का रुधिर चूसती है, वह परजीवी के रूप में रहती है। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। अब ध्यान देना कि मादा मच्छर क्या करती है, जो मादा मच्छर होती है वो इंसानों का या जानवरों का क्या करती है, पक्षियों का रक्त चूस के अपना पेट भर लेती है खून पी के। लेकिन जो नर मच्छर होता है, जो पुरुष प्रजाति होती है, वो सामान्यतः फल फूल खा के अपना शांत रहता है, जीवन यापन शांति से करता है। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूस लेती हैं, लेकिन सामान्यतः मादा मच्छर जो है कि नर मच्छर से बड़े होते हैं, इसीलिए उनके डैने भी बड़े होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह ज्योग्राफी की क्लास में भी थोड़ी बहुत आवाज़ की प्रॉब्लम्स हो रही थी, कुछ लोगों के कमेंट भी आए थे, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ आपको प्रॉपर सुनाई दे और क्लियर तरीके से सुनाई दे।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रहण कर लेते हैं। आंत्र मतलब होता है आंतों में, तो ये ऊंट होता है, ऊंट इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये बाद में अपना इसका यूज करते हैं पीने के लिए। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा गया है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतया मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है और इनके पैर गद्दीदार होते हैं, नीचे पैरों में इनके गद्दीदार होते हैं, खुर नहीं होते हैं। श्वसन की लय अति धीमी होती है, यानी कि ये जो सांस लेने की इनकी प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमे धीमे स्तर पर होती है। और ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रहण कर लेते हैं अपनी आंत में, इंटेस्टाइन में, और जिसे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है, धीरे धीरे उसका ही ये लोग प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका लेटेस्ट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 का, कि कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो यहाँ ध्यान देना कि ऊंट आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये चूहे की एक प्रजाति होती है जिसको हम लोग कंगारू चूहा कहते हैं, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आरओ यारो में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ये रिपीट हो चुका है ऊपर ही। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्रायः ठोस मूत्र को उत्सर्जित करता है और उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र यानी कि किडनी की विशेष संरचना और कार्यप्रणाली के कारण होती है। क्योंकि वो जब पेशाब करता है दोस्तों, तो वो ठोस मात्रा में करता है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं करता है, जबकि इंसान या बाकी जानवर लिक्विड के फॉर्म में करते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में पानी की कमी होती है। और चूहे को क्या करना है, चूहा जो वॉशरूम करता है वो ठोस कंटेंट में करता है, इसलिए उसको पानी पीने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और अगला मेंस 2017 का प्रश्न है, कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो देखिए कंगारू चूहा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर जिस बच्चे ने PYQ का एनालिसिस किया होता 2019 में, तो ये प्रश्न उसका नहीं गलत होता, क्योंकि तो उसे UPPCS मेंस 2017 का यह प्रश्न देखने को मिल जाता। और इसी तरीके से अब जो बच्चे 2024 का एग्जाम दे रहे हैं या 2023 आरओ का दे रहे हैं, अगर उन्होंने इस PYQ सीरीज को नहीं देखा तो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी अगर ये प्रश्न आ गया तो, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऊंट जरूर देगा, तो इसलिए आप गलत कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे, मतलब एक्सप्लेनेशन है कि कंगारू चूहा यानी कंगारू रैट बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है और ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, यही चीज अभी मैंने आपको बताया भी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन उपरांत नर को मार देती है। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें मादा क्या करती है, अपने नर कंटेंट के साथ सेक्स करने के बाद उसको मार देती है, यानी मौत के घाट उतार देती है। तो ये तो बहुत गोल्ड डिगर्स हो गई दोस्तों, कि एक बार आपने अपने नर पार्टनर के साथ सेक्स किया और उसके बाद जो है कि उसको मार दिया, तो ये मकड़ी करती है ऐसा काम। सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर समझिएगा कि मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में मादा मैथुन उपरांत नर को मार देती है। मैथुन उपरांत का मतलब ही होता है यहाँ पे सेक्सुअल कंटेंट की बात हो रही है या मास्टरबेशन की। जंतु विज्ञान माइकल रॉबर्ट्स के अनुसार प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर मादाओं द्वारा मारकर भक्षण कर लिए जाते हैं। मजबूत मकड़ी नर जो होते हैं वो बच निकलते हैं और पुनः समागम करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नर कमजोर होता है, सुस्त होता है बॉडी से, तो उसको सामान्यतः क्या करती है, जो मादा मकड़ी होती है वो मार के खा जाती है, लेकिन जो मजबूत होता है या जो है कि थोड़ा एक्टिव मोड का होता है वो सेक्स करके भाग जाता है, फिर दोबारा वो सेक्स करने के लिए आ जाता है समागम करने के लिए। अगला यहाँ पे प्रश्न किंग कोबरा के मामले में दिया जा रहा है और ये UPSC 2010 का प्रश्न है, पढ़ते हैं। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, और वह अपना घोंसला क्यों बनाता है। देखिए किंग कोबरा केवल ऐसा एक सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, वो अपने ही घोंसले में हमेशा रहता है, अदरवाइज कोई भी सांप घोंसला बना के नहीं रहता है। ऐसा वो क्यों करता है, क्या यह सर्वभक्षी है और उसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने में सहायक बनता है। यह सजीव प्रजक सर्प है और इसे अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसलों की आवश्यकता होती है। यह अंड प्रजक है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। यह एक विशालतम अनियत तापी प्राणी है जिसे सर्दी के मौसम में शीत निष्क्रियता के लिए घोंसले की जरूरत पड़ती है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि सामान्यतः आपने सुना होगा कि सांप क्या होते हैं, अंडे देते हैं। सांप अंडे देते हैं इसीलिए स्तनधारियों में नहीं आते, क्योंकि स्तनधारी में वह जीव आते हैं या मनुष्य आते हैं जो डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे के रूप में नहीं पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंडे देते हैं और घोंसले में ही अंडे देता है, और जब तक उस अंडों से बच्चे निकल नहीं जाते तब तक ये घोंसले की पहरेदारी करता रहता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 83, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि किंग कोबरा यानी कि राजनाग जिसको हम लोग कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राजनाग या नागराज किंग कोबरा एक अंडयूज है यानी ओवीपोरस सर्प है जो कि घोंसले का निर्माण करता है।
उसमें लगभग 20 से 40 अंडे देती है मादा, और इस सर्प में पैतृक संरक्षण की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि पितृसत्तात्मक यहाँ पे थ्योरी देखने को मिलती है। यह विशेष सर्प अत्यधिक गुस्सैल प्रकृति का होता है तथा इसका विष मात्रा में अधिक होने के कारण यह प्राण घातक भी होता है, यानी कि जान भी ले लेता है। कोबरा सर्प का विष होता है कैसा, तंत्रिका विषी या रुधिर विषी? तो ध्यान देना, ये तंत्रिका को जो है कि डिस्टर्ब करता है सबसे पहले, मुख्यतः यह न्यूट्रोक्सिक होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है, तंत्रिका ऊतकों को ही प्रभावित करता है और इससे कार्डियो टॉक्सिक तथा कुछ अन्य यौगिक भी होते हैं। टॉक्सिक मुख्यतः प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स के होते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पर बात करेंगे किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं? तो नागराज, यानी किंग कोबरा क्या करता है, सामान्यतः दूसरे सांपों को खा के ही अपना पेट भरता है, और इसीलिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि मुख्य भोजन के रूप में ये अन्य सर्पों को खाता है। नागराज अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से अपने शिकार को दूर से ही खोज लेने में सक्षम होते हैं, यानी कि बहुत ही बारीक इनकी नज़र होती है, तो बच के रहा करिए आप लोग भी। कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? कोबरा भी होता है, वाइपर भी होता है, करैल भी होता है, लेकिन अजगर नहीं होता है, अजगर जहरीला सांप नहीं होता है। अगर आपके आसपास कभी भी हादसा हो जाए, ध्यान दीजिएगा कि सांप को आप फतह कर सकते हैं सांप पर, कैसे? अगर कभी अजगर को आप देखेंगे तो अजगर कभी भी क्या करता है, शरीर को आपको ऐंठ देता है, यानी अपने कब्जे में शरीर को कर लेता है और फिर उसके बाद वो निगलने की कोशिश करता है। सांप मतलब अजगर के मुंह में कभी भी जहर नहीं होता है। तो आप अगर कभी ऐसी स्थिति में आ भी जाएं, या आपके कोई परिचित है, आपका कोई दोस्त है, आप कोई भी अनजान व्यक्ति राह चलते, तो आप उसे अजगर से छुड़ा सकते हो पकड़ के। आपको बस इतना कंफर्म होना चाहिए कि अजगर है और वो कभी भी डसेगा नहीं, क्योंकि उसमें जहर नहीं होता है। यदि सांप की निचली या उदर सतह पर छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं, यानी कांटे पाए जाते हैं, तो वे विषहीन होते हैं। उदर सल्क पतले किंतु पूरी चौड़ाई तक फैले न हो तो इस अवस्था में भी सर्प विषहीन होते हैं, जैसे कि अजगर। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग होती हैं? सर्पों की जो विष ग्रंथियां होती हैं वो किसकी समांग होती हैं, किसके समान देखने को मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान देखने को मिलती हैं। सर्पों की विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग होती हैं। सांप का विष वास्तव में उसकी लार से ही परिष्कृत रूप के रूप में देखने को मिलता है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं किस रूप में? जंभिका दंत में, यानी कि जीभ के रूप में वो कन्वर्ट होते हैं। और आरओ यारो 2016 का ये प्रश्न आया हुआ है प्रीलिम्स में। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़ों की मैक्सिली हड्डियों में 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विष दंत और तालू से मुख ग्राशन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत यानी जंभिका ऊपरी जबड़ों में स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका यूपीपीसीएस मतलब यूपीएससी 2019 का ये प्रश्न है कि समुद्री कछुओं की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं। कछप मतलब होते हैं कछुए, तो बिल्कुल सही बात है। कुछ कछुए ऐसे होते हैं जो केवल और केवल शाकाहारी होते हैं। मछलियों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं, यह भी बात सही है। समुद्री स्तनपायियों की कुछ प्रजातियां शाक भक्षी होती हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी की सभी मांसाहारी नहीं होती है। सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। अब यहां पर बात आएगी, आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि सांपों की लगभग प्रजातियां अंडे देती हैं, तो ये बच्चे कैसे दे रही हैं डायरेक्ट? तो ये भी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। तो देखिए, समुद्री कछुओं की अगर हम बात करें, जैसे कि सेलोनिया मियाडिस हो गया जो कि शाकाहारी होता है, शैवाल और समुद्री घासों को ही खाती है। साथ ही साथ इस तरह की मछलियों की कुछ प्रजातियां भी शाकाहारी होती है, जैसे सर्जन फिश हो गई, पैरेट फिश हो गई। कुछ समुद्री स्तनपायी भी होते हैं जैसे समुद्री गाय, डुगोंग्स हो गए, और शाकाहारी होते हैं। सांपों की प्रजातियों में ग्रीन एनाकोंडा केवल और केवल घास और पत्तियों को खाता है। बोआ कॉन्ट्रिकट्स जो बच्चे को जन्म देता है, और अधिकांश सांप अंडे देते हैं, मैक्सिमम सांप अंडे देते हैं, लेकिन ये 2-3 प्रजातियां हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं। कुत्ते की बात करेंगे तो एक शाकाहारी जानवर है, क्या ये सही है कि गलत है? गलत है दोस्तों, क्योंकि वो सबसे अधिक मीट को पसंद करता है, मांस को पसंद करता है, हड्डियों को पसंद करता है, न कि आपके रोटी सब्जी को। हालांकि रोटी सब्जी खाता भी है, दूध रोटी भी बहुत सारे लोग देते हैं अपने डॉगीज को, लेकिन ध्यान देना कि मुख्य रूप से ये मांसाहारी प्रजाति होती है। अगला प्रश्न है लेटेस्ट 67 बीपीएससी प्रीलिम 2022, और यहाँ से आप बता सकते हैं कि ये जो एडिशन में पढ़ा रहा हूँ ये लेटेस्ट 2023 का है। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? किसकी कमी होती है मिट्टी में? नाइट्रोजन की कमी होती है। इसीलिए जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के साथ नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ पक्षियों को यानी कि कुछ जानवरों को, जंतु को, कीट को खा जाते हैं। जैसे ये ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, वे कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आईएस 2018 का,
कौन सा एक कीटहारी पादप है। कीटहारी पादप किसे कहेंगे? घटपाणी को कहते हैं। घटपाणी की कुछ डिजाइन अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से सुराही की तरह होती है और इस तरीके से ऊपर एक फूल लगे होते हैं जिसमें यहाँ पे इसका मुंह ओपन होता है और जब यहाँ पे कोई भी पक्षी या कोई भी कीट इसके रसों को चूसने आता है तो ये ऊपर से मुंह को बंद कर लेता है, तो इसी को कहा जाता है, जिसको हम पिचर प्लांट भी कहते हैं। पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधों के रूप में जाना जाता है। घटपाणी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो पर्णवृंत होता है, पर्णवृंत जिसको हम तने के रूप में भी जानते हैं। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी हम लोग। घटपाणी मांसाहारी कीट भक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों में पर्ण फलक यानी कि लैमिना कलश या सुराही की भांति दिखते हैं, यानी कि लंबे कलश के रूप में जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिए जाते हैं और पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपाण द्वारा कर लिया जाता है। तो यही मैंने अभी आपको डिजाइन के माध्यम से भी दिखाया, आप लोग गूगल पे भी कर सकते हैं घटपाणी पौधा। अब यूपी आरओआरओ 2016 का प्रीलिम्स का पेपर फिर से है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ईस्ट की बात करेंगे तो किड़वन होता है, बिल्कुल सही बात है, फर्मेंटेशन। कैसीन की बात करेंगे तो दूध का ये प्रोटीन होता है जिसकी वजह से सफ़ेद दिखता है। एलोवेरा की बात करेंगे तो आवृत बीजी होता है, लेकिन घटपाणी की बात करेंगे तो ये परजीवित होता है लेकिन आवृत बीजी नहीं होता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। देखिए घटपाणी को ही इंग्लिश में नेपेंथिस भी कहा जाता है। इसका पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने में सक्षम तो है और ये ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचा के या उनका भक्षण करके करता है। अब आगे एक और दे रहा है, नेपेंथिस खासियाना यानी घटपाणी नामक दुर्लभ और आपत्ति पौधा पाया जाता है कहाँ पर? मेघालय में, जहाँ पर सामान्यतः नाइट्रोजन की कमी होती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पौधे के कौन से भाग हल्दी से प्राप्त होते हैं? तो भाई हल्दी प्राप्त होती है कौन से भाग से प्राप्त होती है? तो तना, क्योंकि हल्दी हो गया, आलू हो गया, ये सभी के सभी तने के रूप में जाने जाते हैं। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए क्योंकि इसके एग्जांपल्स बहुत बार पूछे जाते हैं। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी को के खाने मतलब पौधे के खाने लायक हिस्सा प्रकंद कहा जाता है, राइजोम, जो कि एक अंतभौमिक रूपांतरित तने का प्रकार है, यानी कि जो जमीन के अंदर से बाहर निकलता है। और हल्दी का पौधा एक प्रकंदी बहुवर्षीय शाकी पौधा है जिसका वनस्पतिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम होता है करकुमा लौंगा, करकुमा लौंगा, और यह कुल जिंजीबेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्ण कटिबंधीय दक्षिण एशिया है जिसका उपयोग औषधि, मसाले, रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। तो यानी गर्मी वाले क्षेत्रों में यानी कर्क रेखा के नीचे वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर उगाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है। अगला प्रश्न, अब यहाँ पे यूपी आरओआरओ मेंस 2021 का प्रश्न है, जिसने पीवाईक्यू किए होते तो उसको आसानी से ये प्रश्न सही हो जाते कि हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे हम क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं, क्योंकि तने को ही राइजोम यहाँ पर कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न 99, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि पीवाईक्यू घटना चक्र आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, जो क्लास हम लोग दे रहे हैं इसको वीडियो के लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो इसमें पढ़े होते हैं और अगर आपने ना पढ़े हो तो बाय मिस्टेक वो अगर एग्जाम में आ गया तो आपका प्रश्न गलत होना 99% सुनिश्चित हो जाता है अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है। और एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है कि अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, वहाँ से आपको पीडीएफ की पूरी अपडेट और जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? तो भाई जड़ के रूप में देखा जाए तो शकरकंद हो जाएगा, शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सभी जड़ के रूप होते हैं, जबकि आलू, बंडा, जिमीकंद ये सभी किसके रूप होते हैं? तने के रूप होते हैं। शकरकंद को कुछ लोग इसको क्या कहते हैं इसको, यार देखो ध्यान नहीं आ रहा है, शकलगंजी भी कहीं कहीं कहा जाता है, यही याद नहीं आ रहा था। खैर शकरकंद जो है कावलोसी कुल का एक वर्षीय पौधा होता है, पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय या सव्यवहार करता है और यह एक सपुष्पक पौधा होता है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश करके फूल जाती है। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, मतलब कौन तने में नहीं पाया जाता बाकी सब तने में पाए जाते हैं? तो ध्यान देना, गन्ना भी तना होता है, आलू भी तना होता है, हल्दी भी तना होता है, अदरक भी तना होता है, लेकिन शकरकंद आपका जड़ होता है। तो अब यहीं पर आप एक एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, गन्ना,
आलू, अदरक और हल्दी भी मैं लिख देता हूँ यहीं पे। ये सभी तने का रूपांतरण यानी कि तने के रूप में हम इनको खाते हैं। इनका संग्रह अंग क्या होता है? तना होता है। जबकि शकरकंद हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सभी जड़ के रूप में खाए जाते हैं, मूलांकुर से विकसित होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 101, निम्नलिखित में से कौन सा तना होता है जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का री एग्जाम 2015 में हुआ था? तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि तने के अंतर्गत अदरक आता है, जबकि सलजम, गाजर, शकरकंद ये तीनों ही जड़ के रूप में आती है। और अदरक के साथ मैंने आपको बताया था अभी ऊपर के प्रश्न में क्या, गन्ना, आलू, हल्दी, ये सभी की सभी किस में आ जाएगी? आपके तने में आ जाएगी। अगला प्रश्न है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का ये प्रश्न होता है। बात करते हैं कि नोड और इंटरनोड का उपस्थित होना तने का एक विशेष लक्षण होता है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है जड़ नहीं। ठीक है, जैसे आप आलू को भी देखोगे तो आलू की अगर कुछ ऐसी एक संरचना हो तो यहाँ पे छोटी छोटी पीले रंग की कुछ आंख निकली होती है, जिसको हम लोग काट के क्या करते हैं, आलू को बो देते हैं जड़ में। तो इसी तरीके से आप जब एक अदरक ले लीजिए कहीं मार्केट में, तो आपको जगह जगह से उसकी आंख देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करने के लिए कह रहा है कि प्रकंद किसका भाग होगा, स्तंभ कंद किसका भाग होगा। तो अब यहाँ पे आधा क्वेश्चन इधर आधा इधर है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं कि प्रकंद जो हम खाते हैं वो अदरक को खाते हैं, क्योंकि प्रकंद का मतलब होता है तना। तो हम अदरक ही नहीं, आलू भी ले सकते हैं, गन्ना भी ले सकते हैं, हल्दी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से प्रकंद इन चारों का खाया जाता है। स्तंभ कंद, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया दोस्तों, थोड़ा सा सही करने वाली बात है कि प्रकंद में आपका अदरक आएगा और हल्दी आएगा, यही दो चीजें आएंगी। स्तंभ कंद में आलू आ जाएगा और इसी में शायद गन्ना भी आएगा। ठीक है, सल्क कंद लहसुन हो जाएगा, घन कंद जिमीकंद सूरन हो जाएगा, जो सूरन की सब्जी घरों में बनती है दिवाली के त्योहार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? कौन सा रूपांतरित स्तंभ है भाई? तो आलू, क्योंकि ये जो है कि रूपांतरित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है तने के रूप में। यहाँ पर व्याख्या पढ़ेंगे कि आलू एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद है, जिसमें भोजन का संचयन हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं और वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, आलू एक है क्या फल है? नहीं, मूल है नहीं, सल्क कंद है नहीं, कंद है ये, क्या है? कंद है। अगला प्रश्न है यहाँ पे मटर के बारे में, तो मटर एक पौधा है किस चीज़ का? साग का। साग मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं जो जिनके जो तने होते हैं ना वो थोड़े से लहराते हुए तने होते हैं, वो अपने बल पे खड़े तो हो पाते लेकिन बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं। तो मटर का पौधा एक द्विबीजपत्री पौधा होता है और ये साकी और एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का जो तना होता है वो कमजोर होता है, पतला होता है। इसमें सहारे के लिए प्रतान पाई जाती है और यह कुल लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका, ये लिख रहा है कि लौंग है, लौंग क्या होती है दोस्तों? तना की गांठें या बंद कलियां या जड़ की गांठें या बीज। तो ये बंद कलियां होती हैं जो कि सूखे फूलों से प्राप्त की जाती हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं पूरा डिटेल से। जो लौंग होते हैं उनको इंग्लिश में क्लोव्स कहते हैं, जो कि आप देखोगे नामीबिया के तट पर, नामीबिया नहीं होगा, ये नाइजीरिया शायद होता है, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा दोस्तों इस समय। साउथ अफ्रीका में आप देखो कि जो हिंद महासागर के तट पे मेडागास्कर के ऊपर एक आइलैंड है, वहाँ पर क्लोव्स आइलैंड पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे अधिक लौंग की खेती की जाती है। मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में करके, या अगर आपको पता रहे तो आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पे बंद कलियाँ या पुष्प कलियाँ होती हैं, जिनका उपयोग मसाले, औषधियों, भोज्य पदार्थों इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वनस्पतिक नाम होता है साइजीजियम एरोमेटिकम, जो कि कुल मेटेसी कुल के अंतर्गत आता है। जन्म स्थल इसका इंडोनेशिया को माना गया है। इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है, ध्यान देने वाली बात है, सदाबहार वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई 8 से 12 मीटर तक होती है और इसकी पत्तियां बड़ी और अंडाकार होती हैं, ओवल फॉर्म में। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद कर्नाटक और केरल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके आरओ 2023 के लिए, ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन अगर हम इंडिया के अंतर्गत बात करेंगे तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका तमिलनाडु आता है, फिर केरल, मतलब कर्नाटक, फिर केरल। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का पीवाईक्यू है, लॉन्ग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? तो ये फूल की कली का निरूपण होता है, ये अभी हमने पढ़ लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो बी ऑप्शन लौंग। अब देखिए 2011 का मेंस रिपीट कर दिया गया 2021 के प्रीलिम्स में, तो यही इसके फायदे होते हैं आपको, जो कि घटना चक्र करनी चाहिए सॉल्व।
और PDF अगर लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैसेज नंबर दिया व्हाट्सएप का वहां से आप ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, लॉन्ग क्या है? आप देखिए प्री 2015 का ही रिपीट प्रश्न आपको 2021 में देखने को मिला, तो ये प्रश्न कितनी जगह UPPCS रिपीट कर रहा है, तो यही घूम फिर के सारे प्रश्न होते हैं। और फिर प्रीलिम्स की मेरिट निकालने के लिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, तो उस एक प्रश्न की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू, ये वही वाला हाल है। तो देखते हैं लॉन्ग क्या है, तो सूखे हुए फूल हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर BPSC ने भी उसी वर्ष रिपीट किया ये प्रश्न, लॉन्ग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो शुष्क पुष्प कली यानी कि सूखी हुई फूलों की कली से प्राप्त किया जाता है। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अगला प्रश्न BPSC 2020 में फिर रिपीट हुआ 2015 का प्रश्न, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये फूल की कली से प्राप्त किया जाता है, अर्थात सूखे हुए फूल की कली से। अगला प्रश्न, पादप की कली क्या है? तो एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय टहनी है जो कि 2015 में वहीं से पूछा गया। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह यानी अविकसित प्ररोह जो होती है को कली या कलिका कहते हैं, और यह किसी पत्ते के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे UPUDA का कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित करने की बात हो रही है, अदरक की बात करेंगे तो ये राइजोम होता है, क्योंकि राइजोम को ही हम प्रकंद कहते हैं और जिसमें हमने प्रकंद में ही हल्दी को भी रखा था, याद होगा ऊपर हमने प्रश्न को सॉल्व किया। केसर की बात करेंगे तो केसर बीज नहीं होता है दोस्तों। अफीम की बात करेंगे तो अफीम की डूडी से होता है, इसको OPM भी कहते हैं। और सन की बात करेंगे या जूट की तो एक तना होता है, लेकिन जो केसर होता है वो एक पुष्प की वर्तिका के रूप में होता है, तो फूलों से प्राप्त होता है। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कि केसर एक मसाला है जिसे सैफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका से तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। तो इसका पौधे का नाम क्या होता है? सैफ्रॉन क्रोकस होता है, जहाँ से इसके स्टाइल और स्टिग्मा यानी वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वनस्पतिक नाम होता है क्रोकस सटाइवस, और जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, ध्यान देना फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, जिसको जाइनोसियम कहते हैं, जो बीज बनाने वाला भाग होता है, लेकिन बीज से प्राप्त नहीं होता। यह एक पुष्प बहुवर्षीय पौधा होता है। केसर का स्वाद थोड़ा तीखा होता है, इसमें सैफ्रानॉल और पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है, जिसका उपयोग औषधि और भोजन पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। केसर होता है एक सूखा मिश्रण, किसका होता है? फूल और बीज बनाने वाले भागों का एक सूखा मिश्रण होता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पौधों तथा उनके खाद्य भाग के युग्मों को सही तरीके से सुमेलित करना है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, आलू। आलू क्यों, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सुमेलित करना है ना, तो आलू मूल नहीं है, मूल का मतलब होता है जड़, जबकि जड़ ना होके तना होता है। अदरक की बात करेंगे तो प्रकंद होता है, हल्दी भी प्रकंद होता है। प्याज की बात करेंगे तो मांसल पण होता है, यानी कि मांस के रूप में इसके पत्ते होते हैं। नारियल की बात करेंगे तो भ्रूणपोष होता है, लेकिन यहाँ पे आलू मूल यानी जड़ ना होके तना होता है, अर्थात तने का भाग कहलाएगा। अगला प्रश्न रिपीट कर दिया गया मेंस 2013 में कि आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, तने में। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक फल है? भिंडी एक फल है जबकि आलू क्या है? मेरे दोस्तों आलू आपका तना है, मूली क्या है? जड़ है। शकरकंद क्या है? जड़ है, जबकि भिंडी एक फूल के रूप में फल के रूप में पाई जाती है। भिंडी की बात करेंगे, ओकरा या लेडी फिंगर कहते हैं, इस पौधे का पुष्पी पादप है ये, जिसका वनस्पतिक नाम होता है एबल मोस्कस एस्कुलेंटस होता है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। भिंडी के अंदर बीज बहुत सारे होते हैं और इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू का खाया जाने वाला भाग तना होता है, मूली और शकरकंद का भाग जड़ होता है, जिसको हम खाते हैं। अगला प्रश्न है 119 नंबर पे BPSC प्रीलिम 2020 का, तो जो लोग 69वीं BPSC का एग्जाम देने वाले हैं या राजस्थान PCS को, वो इस क्लास को पूरा का पूरा रिपीट करके देख लीजिए पूरी की तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं जो BPSC रिपीट कर रही है बायोलॉजी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल नहीं है भाई, कौन सा नहीं है? सेब नहीं है। बाकी अंगूर, आलू बुखारा, खजूर, ये सभी सच्चे फल होते हैं, ट्रुथ फ्रूट भी कहते हैं। तो क्या है इसकी परिभाषा? जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी कि मादा की ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो, तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं, यानी कि फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जिसको हम लोग उदाहरण के रूप में सेब और काजू, नाशपाती, ये सभी देख सकते हैं। जबकि प्रश्न आपसे पूछा गया था सत्य फल के बारे में, ट्रुथ फल, जो कि सेब नहीं था। अगला प्रश्न है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, ड्रुप या हेस्पेरिडियम, या फिर आगे ऑप्शन में देखते हैं क्या है, नट या एक बेजी बेरी। तो इसको किसमें रखेंगे? लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है और ये सोप बेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रुप होता है। ड्रुप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। अगला प्रश्न है,
लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? जैसे पूछा जाता है प्याज को जब हम काटते हैं तो प्याज काटने पे हमारे आंखों में आंसू क्यों आते हैं, क्योंकि वहां पे सल्फेनिक एसिड निकलता है। उसी तरीके से लहसुन में भी एक गंध होती है, खुशबू होती है, वो आपके सल्फर यौगिक की वजह से होती है, सल्फर यौगिक की वजह से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लहसुन की अभिलाक्षणिक जो गंध होती है इसका कारण होता है गंधक, अर्थात सल्फर यौगिक जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा प्याज सरसों के तेल में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक आदि के रूप में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, अभी मैं बता ही रहा था इसके बारे में कि यूपी पीसीएस प्रीलिम 2015 में पूछा गया है कि प्याज के छिलके उतारने पर हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं वो क्यों आते हैं, तो सल्फेनिक अम्ल के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं? सल्फेनिक अम्ल के कारण। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड यानी कि अमीनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है और अस्थायी सल्फेनिक अम्ल को पुनः व्यवस्थित करके हम क्या करते हैं, इसका सन प्रोपेंटल एस ऑक्साइड यानी सल्फर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं जो आंखों में आंसू उत्पन्न कर देता है। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? ये प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पे कैप्सिसिन की उपस्थिति देखने को मिलती है, इसीलिए इसमें देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न है 124। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है क्या? कैप्सिसिन। और ये 2018 का रिपीटेड प्रश्न है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? भाई तो फल क्यों मीठे होते हैं? प्रीलिम्स 2017 में रिपीट किया गया, फ्रक्टोज होने की वजह से, क्योंकि फल से मतलब फ्रूट्स होते हैं और फ्रूट से फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहते हैं जो फलों की मिठास के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार की शर्करा मुख्यतः फलों में ही पाई जाती है जिसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है और फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड होती है। ये ध्यान देना, मोनोसैकेराइड होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने महत्व होता है? तो डायटम की हम बात करेंगे। डायटम इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। एक कोश की डायटम जीव समूहों का प्रयोग सालुइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। सहतूत का जो फल होता है वो क्या होता है? तो सोरोसिस होता है। ये सोरोसिस कहलाता है। सहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल होता है। अनानास तथा कटहल के फल भी सोरोसिस कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? यानी तने का उत्पादन नहीं तो कपास नहीं है, क्योंकि कपास क्या होता है? फल से निकलता है, यानी कि जो फूल होते हैं, बीज होते हैं रुई के, वहां से प्राप्त होता है। बाकी सब तने के रूप में पटसन, सन, जूट, ये सभी तने के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि सन, पटसन, जूट के तनों की कटिंग की रेटिंग से रेशा प्राप्त होता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं, जो कि दो प्रकार की होती है। एक बड़ी जिसे लिंटे रेशा कहते हैं, एक बड़ी होती है जिसे हम लिंटे रेशा कहते हैं, और साथ ही साथ दूसरी छोटी होती है जिसे हम फज रेशा कहते हैं। तो लिंटे रेशा व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होता है जबकि फज रेशा कम महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न, मेंस 2017 में कौन सा अनाज मानव निर्मित है? ध्यान देना, पोमेटो, सेकल सीरियल या ट्रिटिकल। तो ट्रिटिकल एक ऐसा अनाज है जो कि मानव निर्मित होता है, और ट्रिटिकल को हम क्या कहते हैं? एक तरीके से धान की प्रजाति होती है, धान्य की, खाद्यान्न की। मानव निर्मित अनाज या धान्य होता है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है। इस संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं तथा राई को परस्पर संकरण करके तैयार किया गया, तो गेहूं का ट्रिटिकम और राई का सीकेल, तो इसीलिए इसका नाम ट्रिटिकल बन गया। क्या बन गया? ट्रिटिकल। दो यहाँ से लिए गए वर्ड और दो यहाँ से। इस संकरण में गेहूं के मादा राई के नर भाग का उपयोग किया गया। इसका अनाज मूलतः स्वीडन और स्कॉटलैंड द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो पशुओं के चारे के लिए उपयोग किया जाता है, और इससे लेकिन अच्छी रोटी नहीं बनती है। अगला प्रश्न है, कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता? तो ट्रिटिकल पाया जाता है, जिसमें किसका संकरण होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हो सकता है अगली बार ये पूछा जाए। तो गेहूं का जो है कि मादा रहेगी और राई का क्या रहेगा? नर रहेगा। ये क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आईएएस प्रीलिम 2021 लेटेस्ट प्रश्न है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है, जो मृदा विहीन स्थिति में पाए जाते हैं? तो एक तो लाइकेन होता है और एक मॉस होता है, क्योंकि ये दोनों ही चट्टानों पर पाए जाते हैं, पहली स्थिति के रूप में पाए जाते हैं, जिसके आगे इनकी प्रजातियों का विकास होता चला जाता है। तो दो और तीन सही हो जाएंगे।
बात करें लाइकेन की तो ये थैलोफाइटा समूह के सदस्य होते हैं जो कि कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं, यानी इन दोनों के बीच की कड़ी होती है। कवक और शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक जल, खनिज, लवण तथा विटामिन शैवाल को दे देता है ताकि शैवाल इनके प्रयोग के माध्यम से पोषण तैयार करता है, यानी भोजन तैयार करता है, और बाद में शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को भी देता है भोजन के रूप में। और इसी तरह लाइकेन के विकास हेतु मिट्टी की आवश्यक तत्व नहीं होता है। मॉस एक बिना पुष्प वाला पौधा है जिसमें कोई पुष्प नहीं आते, तने और पत्ते होते हैं। ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं परंतु इनमें कोई स्पष्ट जड़ या संरचना नहीं होती है, जिसकी वजह से छाया और नमी मिलने पर ये कहीं पर भी उग सकते हैं, क्योंकि जड़ के लिए मिट्टी चाहिए होती है लेकिन इसमें जड़ नहीं होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मरुस्थली पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। मरुस्थली पौधों के, बिल्कुल सही बात है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। दोनों ही बातें सही हैं तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक मिनट होल्ड करिएगा। ये मृदा का उच्च तापमान नहीं दोस्तों, बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की वजह से जड़ को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि वो अपना पानी बचाना चाहती है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मरुस्थली पौधों के अंतर्गत सामान्यतः नागफनी, कैक्टस जिसे हम कहते हैं, मदार, घिकवार इत्यादि पौधे आते हैं जो शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। और इन पौधों में जड़ तंत्र मृदा से जल के खोने की खोज में काफ़ी लंबे हो जाते हैं और इनके तने छोटे, रूपांतरित और कभी कभी भूमिगत भी होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मरुस्थली पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि, क्यों होती भाई? भूमि का उच्च तापमान, गलत हो जाएगा। जड़ पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाती? जड़ पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान का री एग्जाम में पूछा गया था, मरुस्थल में फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं, फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी मूसला जड़ होती है, लगभग 20 से 30 फीट पाई जाती है। क्योंकि भाई मरुस्थल में तो वैसे ही तो जड़ें पाई जाएंगी जो बहुत लंबी लंबी होती हैं, लगभग 6-6 मंजिला के जो घर होते हैं उतनी लंबी जड़ें इसमें पाई जाती हैं जो जल की खोज में नीचे चलती चली जाती हैं। फ्रिएटोफाइटस मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनमें जल को संचित रखने के विशेष तरीके विकसित होते हैं, और इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं जो भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती हैं। फ्रिएटोफाइटस की जड़ें मुख्यतः 25 से 30 मीटर तक की लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती हैं। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, शुष्क जलवायु के भलीभांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु के भलीभांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुद्भिद। क्या कहते हैं इसको? मरुद्भिद कहते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं क्या चीज कि शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं, जो अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतया अनुकूलित कर लेते हैं। जल के उत्स्वेदन को कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम इत्यादि प्रकार के पौधे आते हैं। और अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, जो कि यूपी लोअर सबॉर्डिनेट एग्जाम 2013 में पूछा गया है। मरुभूमि के जो पादप होते हैं वो अधिकतर मांसल होते हैं। कैसे होते हैं? मांसल। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधों के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं। आगे देखते हैं, एपिफाइट्स पौधे होते हैं। एपिफाइट्स पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। किस लिए? यांत्रिक अवलंब के लिए। ध्यान देने वाली बात है कि जो एपिफाइट्स पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन ये जो है कि तने इनके कमजोर होते हैं, अर्थात ये खड़े नहीं रह पाते, इसीलिए दूसरे पौधों के सहारे क्या करते हैं, ये यांत्रिक अवलंब प्राप्त करते हैं ताकि ये पौधे सही तरीके से खड़े रह सके, लेकिन ये भोजन के लिए उन पर निर्भर नहीं होते हैं। तो पढ़ लेते हैं इसको, अधिपादप वे पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि ये स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें पण हरित पाया जाता है। ये सिर्फ पौधे पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवी पादप भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती। इसके अंतर्गत आर्किडस आता है। आर्किड्स यानी आर्किड्स जो है कि एक फूल का पौधा होता है, और आर्किड स्टेट सबसे अधिक जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए उसको आर्किड स्टेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स, जिसको हम लोग लवण भूमि भी कहते हैं, लवण मृद भूमि। क्या कहते हैं? लवण मृदोद भूमि कहते हैं उन पादपों को जो उच्च लवण युक्त जल या मृदा में उगते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, और आज का लास्ट प्रश्न होगा यहाँ पर,
जो कि बीपीएससी 2022 के जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया लेटेस्ट प्रश्न है कि लवणता युक्त यानी कि लवण वाले नमक वाले वातावरण प्रेमी पौधों को हम क्या कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ता है ये कि हेलोफाइट्स कहते हैं या लवण मृदभूत भी कहते हैं, लवण मृदोद्भिद कहते हैं। तो ये तो थे आपके 139 क्वेश्चन और अभी इसमें लगभग 35 MCQs और बच रहे हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और साथ ही फिर अगले चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर यहाँ तक आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो नो डाउट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उससे ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।